दोस्तों हाल ही में भारत के वेदांता ग्रुप ने $1 ट्रिलियन की मार्केट में एंट्री मार दी है, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है और खबर के बाद चीन के भी होश उड़ गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के वेदांता ग्रुप ने कोरिया की 20 कंपनियों के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की है, जो आगे जाकर भारत को ग्लोबल डिस्प्ले सप्लाई चीन में डायरेक्ट एंट्री दिला सकता है। तो चलिए अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय मल्टीनेशनल वेदांता कंपनी ने साउथ कोरिया में आयोजित की गई कोरिया ट्रेड शो में हिस्सा लिया और ऐसे इवेंट में एक रोड शो करके कई कोरियन कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसका नतीजा यह निकला कि कोरिया में डिस्प्ले और ग्लास मैन्युफैक्चर करने वाली 20 कंपनियों ने वेदांता ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर दिए, जो भारत को ग्लोबल डिस्प्ले सप्लाई चेन में डायरेक्ट एंट्री दिला देगा। बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद चीन अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही महीनों पहले वेदांता ग्रुप ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात के डोलेरा में $20 बिलियन या फिर 1,54,000 करोड़ रुपए की कीमत पर एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया, जिसके तहत ताइवान वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर गुजरात में एक विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाएगा, जहाँ भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करेगा और साथ ही आगे जाकर भारत इस प्लांट का इस्तेमाल करके विदेशों को भी सेमीकंडक्टर निर्यात करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यह फैसिलिटी भारत में 1,00,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी देगी। वहीं पर अगर वेदांता और यह 20 कोरियन कंपनियों के बीच साइन हुए इस करार की बात करें, तो यह ऐसा कोई पहला एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले वेदांता ग्रुप ने लगभग 30 जापानी कंपनियों के साथ भी ऐसा ही एक MOU साइन किया था। बता दें कि जापानी कंपनियों के साथ वेदांता ग्रुप ने यह डील दिसंबर 2022 में साइन की थी, जब उन्हें कोरिया की तरफ से एक इवेंट का इनविटेशन मिला था और इस इवेंट में दुनिया की 100 कंपनियों की तरफ से 200 से ज्यादा प्रतिनिधि भेजे गए थे, जिनमें से वेदांता ने अपने ग्लोबल डिस्प्ले सेमीकंडक्टर बिजनेस के लिए 3 जापानी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण करार किए। हालांकि हमेशा से ये सवाल उठते हैं कि भले ही भारत, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान की कंपनियों के साथ मिलकर भारत के अंदर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर ले, लेकिन फिर भी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए चीन और दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने से रोक सकता है। लेकिन इसी चिंता को कम करते हुए कुछ ही समय पहले भारत के आंध्र प्रदेश में 15 रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े भंडार पाए गए हैं, जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इतना ही नहीं बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स और चीन पर हमारी निर्भरता जैसे मुद्दों पर बात करते हुए भारत के यूनियन मिनिस्टर ने खुद यह बयान दिया था कि भारत रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर नहीं है, जो कि भारत के अंदर मोनाजाइट, जो कि रेयर अर्थ मिनरल में से एक काफी महत्वपूर्ण एलिमेंट है, इसका प्रोडक्शन 4000 मेट्रिक टन प्रति साल तक है, यानी भारत के अंदर भी काफी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद है और इसे लेकर कई रिपोर्ट पहले भी पब्लिश हो चुकी है। हालांकि इस इंडस्ट्री के लायक बनने के लिए हमें विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, जिसे हासिल करने के लिए भारत, अमेरिका और ताइवान जैसे देशों की मदद ले रहा है। मतलब जिस तरह से भारत सेमीकंडक्टर और दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है, ऐसे में इस बात को लेकर बिल्कुल भी शक नहीं है कि आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हॉटस्पॉट बन सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अब डॉलर पर इस सदी की सबसे बड़ी स्ट्राइक हो गई है, जिसके बाद अमेरिका का घमंड पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि अब अमेरिका का पैसा बिल्कुल उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद सभी देश अच्छे से समझ गए हैं कि अमेरिका अपनी करेंसी यानी कि US डॉलर का इस्तेमाल किसी भी देश से बदला लेने के लिए कर सकता है। इसी वजह से अब बाकी सभी देश अमेरिका के US डॉलर के खिलाफ आ गए हैं और अपनी करेंसी को मैड्रिड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ हुआ है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं।
दोस्तों अब काफी बड़ी संख्या में दूसरे देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसी नए ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हुए अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने अमेरिकन सरकार को चेतावनी देते हुए यह बात साफ तौर पर कही है कि अगर दूसरे देशों पर ऐसे ही अमेरिकी प्रतिबंध लगता रहा तो आने वाले समय में अमेरिकी डॉलर अपना महत्व पूरी तरह से खो देगा, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगा रहा है बिल्कुल वैसे ही अमेरिकी डॉलर के पास जो स्टेबिलिटी का एडवांटेज था अब वह खत्म हो रहा है, जिसे देखते हुए कई देश लोकल करेंसी या नेशनल करेंसी ट्रेड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे भारत, रूस और चीन जैसे देशों की तरफ से संपूर्ण समर्थन मिला है। खासकर भारत इस मुहिम में आगे इसलिए है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हम इंटरनेशनल ट्रेड में काफी बड़ी संख्या में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, जो रूस का उदाहरण देते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए भारत में UPI और रुपए ट्रेड को प्रमोट करते हुए अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जो आज सफल भी हो रहे हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि ऑलरेडी 18 से ज्यादा देश भारत के साथ रुपए ट्रेड के लिए तैयार है, जिसके लिए उन्होंने ना सिर्फ भारत में वोस्टो अकाउंट की शुरुआत की बल्कि अब कई देश तो UPI को भी अपनी मार्केट में एंट्री दे रहे हैं, जिसने ग्लोबल पेमेंट सिस्टम इकोसिस्टम में भारत की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। साथ ही मौजूदा समय में RBI 30 से 40 देशों के साथ लोकल करेंसी ट्रेड को लेकर बातचीत कर रहा है, जिसमें हमें आने वाले समय में बड़ी सफलता मिलने की काफी संभावना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के इस लोकल करेंसी ट्रेड को सऊदी, UAE और ईरान जैसे देशों ने पूरा समर्थन दिया, जिसे देखते हुए अब अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी यह बात अच्छे से समझ चुकी है कि अगर अमेरिका ऐसे ही US डॉलर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दूसरे देशों पर सैंक्शन लगाता रहा तो सभी देश अमेरिकी डॉलर के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे और US डॉलर के अल्टरनेटिव के तौर पर दूसरे सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर देंगे, जो इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका की उस ताकत को हमेशा के लिए छीन लेगा जो US डॉलर ने आज अमेरिका को दी है। और यही वजह है कि भले ही अमेरिकन सरकार अपने सामने खड़े संकट को ना देख पा रही हो, लेकिन अमेरिकन विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी मौजूदा अमेरिकन पॉलिसी की कमजोरी को साफ तौर पर समझ रहे हैं और इसी वजह से वे US डॉलर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के सख्त खिलाफ है, क्योंकि यह चीन जैसे देश को अपना सर उठाने का भी अच्छा मौका देगा। वैसे देखा जाए तो चीन पहले ही अपने आप को अमेरिका के अल्टरनेटिव के तौर पर स्थापित करना चाहता है, ऐसे में अगर अमेरिका अपने विरोधी देशों को कमजोर करने के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी महत्वपूर्ण करेंसी का फायदा उठाएगा तो यह दूसरे देशों को चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ गुटबाजी करने पर मजबूर कर सकता है, जो ना ही अमेरिका के लिए अच्छा होगा और ना ही पश्चिमी देशों के लिए। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।